24 जून 1734 का वह दिन जब एक 90 साल के योद्धे को लाहौर में बंद कटवाकर शहीद किया गया। उनकी शहादत इतनी दर्दनाक थी कि आज भी उस पल को जो याद करता है उसकी रूह कांप जाती है। उनका सारा परिवार शहीदों से भरा हुआ है। वे वीर योद्धा हैं भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह जी जिन्हें 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी से लेकर 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो 13 साल की उम्र से लेकर 90 साल तक पल पल गुरुओं के साथ रहे, आज हम उनके जीवन के बारे में मिलकर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। भाई मनी सिंह जी का जन्म 1644 ईस्वी को मुल्तान में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम माईदास और माता मदरीबाई जी थे। बचपन में इनका नाम मनीराम रखा गया। इनके दादा और पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अनन्य श्रद्धालु थे, इसलिए इनके घर में सारा दिन गुरु की महिमा और गुरबानी गाई जाती थी। 5 वर्ष की उम्र होने पर नितनेम की बानियां जैसे जपजी साहिब, रहरा साहिब इन्हें मुंह जबानी याद थी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्हें पता चला कि उनके गांव की बहुत सारी संगत 7वें गुरु हर राय जी के दर्शन करने किरतपुर जा रही हैं। तब उन्होंने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि वे भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। बालक मनीराम की इतनी श्रद्धा देखकर पिता अपने पुत्र को मना ना कर सके, वे भी जत्थे के साथ किरतपुर चले गए। मनीराम ने वहां देखा कि किरतपुर में बहुत चहल पहल थी। दूर दूर से संगतें अपने गुरु के दीदार करने आई थी। गुरु का लंगर लगातार चल रहा था। वहां का नजारा देखकर मनीराम बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन सुबह जब वे गुरु जी के दरबार में पहुंचे तब उस समय आशा की वार का कीर्तन चल रहा था। गुरु हर राय जी तख्त पर विराजमान थे। संगते बारी बारी जाकर गुरु जी के आगे नतमस्तक हो रही थी। जब मनीराम की बारी आई तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से गुरु जी के आगे शीश झुकाया। वे लगातार उनकी ओर देखते जा रहे थे। गुरु जी भी दिव्य दृष्टि से जान गए थे कि वे कोई अलौकिक बालक है। तब उस समय मनीराम ने अपना मन बना लिया कि वे अब से गुरु जी की सेवा के लिए ही उधर रुक जाएंगे। गुरु जी ने उससे उसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मनीराम है। गुरु जी इतना सुनकर मुस्कुराकर बोले, ठीक ही तो है, तू मनी ही तो है, भाव तू एक हीरा ही तो है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने गुरबानी भी सीखी है? मनीराम ने बताया, मुझे नितनेम की बानियां कंठस्थ हैं। वे इतना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके पिता से कहने लगे, आपका पुत्र बड़ा होनहार है, एक दिन वह बड़ा होकर विद्वान बनेगा, हम इसे गुरबानी लिखने का काम दिया करेंगे, आप इन्हें यहीं पर छोड़ जाएं। गुरु जी की बात सुनकर पिता अपने पुत्र को गुरु जी के पास छोड़कर चले गए। अगले दिन भाई कृपाल चंद जी, जो माता गुजरी जी के भाई थे और 2200 घुड़सवारों के कमांडर थे, उनको गुरु जी ने मनीराम को शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में निपुण करने को कहा। साथ ही उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया। 15 वर्ष की उम्र होने पर मनीराम के पिताजी गुरु हर राय जी से आज्ञा लेकर वापस कुछ समय के लिए उन्हें अपने साथ घर ले गए और उनका विवाह माता सीतोबाई के साथ कर दिया, जो कि लक्खी शाह बंजारा की पुत्री थी। लक्खी शाह बंजारा वही सेवक थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के समय उनका दाह संस्कार अपने घर को जलाकर किया था। इतिहास में दर्ज है कि उनका दूसरा विवाह माता खेमीबाई से हुआ था। भाई मनीराम के घर कुल 10 बालकों ने जन्म लिया। उनके 10 पुत्रों का सिख इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान है। इनमें से एक पुत्र थे बचित्र सिंह। जब लोहगढ़ की लड़ाई में पहाड़ी राजाओं ने एक मस्त हाथी को लोहगढ़ का दरवाजा तोड़ने के लिए भेजा था, तब
बचित्र सिंह ने हाथी के सिर में इतनी जोर से बरछा मारा कि हाथी चिल्लाता हुआ वापस मुड़ा और पहाड़ी राजाओं की फौज को ही कुचल दिया। मनीराम जी के दूसरे पुत्र उदय सिंह ने इसी लड़ाई में राजा केसरी चंद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इनके तीन पुत्र अनिक सिंह, अजब सिंह और अजायब सिंह 1704 ईस्वी में चमकौर की लड़ाई में शहीदी प्राप्त कर गए। भाई बचित्र सिंह की 8 दिसंबर 1705 ईस्वी को शहीदी हुई। इस तरह 10 पुत्रों में से 7 ने शहीदी का जाम पी लिया। आपके 10 पोते भी सिख पंथ की सेवा करते समय शहीदी को प्राप्त हो गए। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि भाई मनी सिंह जी के परिवार को गुरु हर से कितना प्यार और लगाव था। मनी सिंह जी के भाई दयाला सिंह जी को गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के समय उबलती देग में बड़ी बेरहमी से उबाला गया था। आप जी के 13 भतीजों ने भी शहादत का जाम पिया। मनी राम एक महान और अनन्य सेवक थे जिन्हें 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं पातशाहियों के दर्शन और उनके साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 7वीं गुरु हर राय जी के अकाल चलाना करने के बाद जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरुगद्दी पर विराजमान हुए तो भाई मनी सिंह जी उनके साथ किरतपुर में रहा करते थे। वे कुर्बानी लिखने की सेवा किया करते और फिर वे गुरु जी के मुख्य सलाहकार बन गए। इतिहास में दर्ज है जब औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी को दिल्ली बुलाया था तब भाई मनी सिंह जी भी गुरु जी के साथ दिल्ली गए और गुरु हरकृष्ण जी के अंतिम समय तक भाई मनी सिंह जी भी साथ रहे। इतिहास में दर्ज है दिल्ली में फैली हैजा और चेचक के कारण बहुत से रोगियों का गुरु हरकृष्ण जी इलाज किया करते थे। एक दिन खुद भी इसी रोग से ग्रस्त हो गए तो संतों ने गुरु जी से पूछा कि अब हमें आप किसके सहारे छोड़ चले हैं, तो गुरु जी ने कहा गुरु बाबा बकाले। भाई मनी सिंह जी उसी समय समझ गए कि गुरु हरकृष्ण जी का इशारा गुरु तेग बहादुर जी की तरफ है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी उनके दादा हैं जो बाबा बकाला में रहते हैं। गुरु हरकृष्ण जी के शरीर त्यागने के बाद भाई मनी सिंह जी उनकी माता कृष्ण कौर जी को किरतपुर ले आए, जहां वे माता का बहुत ध्यान रखते थे। 1664 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर जी को मक्खन शाह ने 9वें गुरु के रूप में प्रकट किया तो भाई मनी सिंह जी खुद बाबा बकाला गए और गुरु तेग बहादुर जी के साथ कई दिनों तक वहीं रहे और फिर उनके साथ किरतपुर वापस आए, जहां गुरु तेग बहादुर जी को गुरु हरकृष्ण जी का तख्त और कलगी सौंपी गई। गुरु तेग बहादुर जी ने किरतपुर में रहते हुए ही 8 किलोमीटर दूर एक चकनानकी नामक नगर बसाया जो आजकल आनंदपुर शहर कहलाता है। भाई मनी सिंह जी गुरु जी के साथ ही आनंदपुर रहने लगे, क्योंकि वे गुरु घर के पुराने और विश्वासपात्र सेवक थे, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने नगर निर्माण के कार्य का दायित्व भाई मनी सिंह जी को सौंपकर खुद धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए। 5 साल बाद जब वे वापस घर लौटे तो वे नगर का नव निर्माण देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें पता चला कि बंजर भूमि पर भी अब खेती आने लगी है, तो उन्होंने भाई मनी सिंह जी की बहुत प्रशंसा की। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय भाई मनी सिंह जी वहीं उपस्थित थे। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है भाई मनी सिंह जी के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने बालक गोविंद राय को पंजाबी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी भाई मनी सिंह जी को ही सौंपी। वे उन्हें बड़े प्रेम से पढ़ाया करते। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी को 10वें गुरु की उपाधि दी गई तो उन्हें लोगों के कल्याण और रक्षा के लिए बहादुर सेना की जरूरत पड़ी। इसके लिए 1699 ईस्वी वैसाखी वाले दिन गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें भाई मनी सिंह जी ने अपने 10 पुत्रों और 12 भाइयों के साथ अमृत ग्रहण किया और खुद मनी राम से मनी सिंह बन गए। भाई मनी सिंह जी गुरु घर के प्रिय श्रद्धालु तो थे ही, पर जब कभी युद्ध की स्थिति पैदा होती तो वे वहां से भी पीछे न रहते।
1688 ईस्वी के भंगानी के युद्ध में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मिलकर हिस्सा लिया और वीरता का ऐसा जोहर दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए। यह उनका पहला युद्ध था। इस लड़ाई में उनके भाई हरिचंद शहीद हो गए। फिर इसके बाद नादौन के युद्ध में भी भाई मनी सिंह जी ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और मुगलों को धूल चटा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी आपकी युद्ध कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 21 मार्च को आप जी को दीवान की पदवी पर नियुक्त कर दिया। उस समय इनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी। गुरु गोबिंद सिंह जी जहां भी जाया करते, भाई मनी सिंह जी उनके साथ ही रहते। आनंदपुर छोड़ने पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी को हुक्म दिया था कि वे दोनों माताओं को लेकर दिल्ली जाएं और उनका ध्यान रखें। दिल्ली में रहते हुए भाई मनी सिंह जी को जब पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी इस समय साबो की तलवंडी में रुके हैं, तो वे शीघ्र गुरु जी के पास पहुंच गए। तब गुरु जी ने उनसे सुंदरी जी और साहिब कौर जी का हाल पूछा। भाई मनी सिंह जी ने कहा, वे दिल्ली में बिल्कुल सकुशल हैं। परंतु जब भाई मनी सिंह जी को गुरु जी से चारों साहिबजादों और माता गुजरी जी के बारे में पता चला, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। गुरु जी ने तब उन्हें दिलासा देते हुए समझाया, इस संसार में हमारा क्या है, सब कुछ तो निरंकार का है, वे स्वयं ही देता है और स्वयं ही ले लेता है। आप अब ऐसा करो कि दोनों माताओं को साबू की तलवंडी में ले आओ। तब भाई मनी सिंह जी गुरु का हुक्म मानकर माताओं को साबू की तलवंडी में ले आए। जिस समय मुगलों ने अपना आतंक मचाया हुआ था, तब अमृतसर की सिख संगत ने गुरु गोबिंद सिंह जी से विनती की कि दरबार साहिब का प्रबंध वे अपने हाथों में ले लें और उनकी मांग के अनुसार गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को योग्य समझकर श्री दरबार साहिब का मुख्य ग्रंथी नियुक्त कर दिया। दरबार साहिब की पूरी जिम्मेदारी ही उन्हें सौंप दी गई। भाई मनी सिंह जी ने 3 मई 1696 ईस्वी को अमृतसर पहुंचकर निशान साहिब झुलाया तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। कहा जाता है, जब गुरु जी काशी दमदमा साहिब में ठहरे हुए थे, तब उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुनः संपादन किया और इस कार्य को पूरा करने के लिए भी गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी से बाणी लिखवाई। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 स्वरूप तैयार किए गए। इसके अलावा गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी को यह भी जिम्मेदारी सौंपी कि वे सारी संगत को बाणी के अर्थ सुनाया करें, जो कि वे अपना काम भली भांति किया करते थे। श्री दरबार साहिब सिखों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका था, जहां दूसरे धर्मों के लोग भी प्रभावित होकर सिख बनते जा रहे थे। यह बात मुगलों को स्वीकार नहीं थी, सो उन्होंने सिखों पर सख्ती करने के लिए लखपत राय को अमृतसर का हाकिम बना दिया। उसने सभी लोगों को हुक्म दिया कि कोई भी सिखों को पना ना दे और जो सिख सरोवर में स्नान करने आएगा, उसे उसी पल मार दिया जाए। लखपत राय की इतनी सख्ती के कारण कोई भी सिख दरबार साहिब ना जा सका। उसकी मनमानी रोकने के लिए काफी सारे सिख भाई मनी सिंह जी के पास आए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उन्होंने लखपत राय को पकड़ने की कोशिश की, परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। इसका एक अच्छा फायदा यह हुआ कि लखपत सिखों से इतना डर गया कि वह अमृतसर से ही भाग गया। लाहौर के सूबेदार जकरिया खान ने वैसाखी आने से कुछ महीने पहले सिखों के प्रति अपना रवैया नरम कर लिया और भाई मनी सिंह जी को वैसाखी के मेले पर सिखों को दरबार साहिब आने की अनुमति दे दी, परंतु उन्हें इसके बदले 5,000 रुपये देने को कहा, जो मनी सिंह जी ने स्वीकार कर लिया। वैसाखी आने के कुछ दिन पहले लाहौर के एक सिख ने भाई मनी सिंह जी को बताया कि जकरिया खां कोई नरम दिल का नहीं हुआ, बल्कि उसका इरादा तो सारे सिखों को एक ही साथ खत्म करने का है, वे बहुत बड़ी योजना बना चुका है। इतना सुनते ही भाई मनी सिंह जी ने सारे सिखों को अमृतसर ना आने का संदेश भेजा।
भाई मनी सिंह जी का आदेश पाकर कोई भी सिख दरबार साहिब ना आया, जिससे जकरिया खां की सारी योजना धरी की धरी रह गई। उसने तब कुछ सिपाही मनी सिंह जी से 5,000 रुपये वसूलने के लिए भेजे और कहा कि अगर वह रकम ना अदा करे तो गिरफ्तार कर ले। भाई मनी सिंह जी ने पैसे देने से उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार मेला तो लगा ही नहीं था, तो पैसे किस बात के। तब भाई मनी सिंह जी को सिपाही अपने साथ गिरफ्तार करके कचहरी ले गई। जकरिया खान ने कहा 5,000 रुपये अदा करो या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, परंतु मनी सिंह जी ने उनकी कोई बात ना मानी। अपना फैसला सुनाते हुए जकरिया खान ने कहा कि भाई मनी सिंह जी का बंद बंद काट कर कत्ल कर दिया जाए। 24 जून 1734 ईस्वी को 90 वर्षीय भाई मनी सिंह जी को जंजीरों में बांधकर लाहौर ले जाया गया। वहां पहले से ही हजारों लोग उनके दर्शन करने इकट्ठा हुए थे। काजी उनके पास आकर कहने लगा, हे फकीर, अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो, मुफ्त में अपनी जान मत गवाओ। परंतु मनी सिंह जी ने कहा, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, यह शरीर मेरे गुरु का है। इस शरीर को मैं 13 साल की उम्र से ही गुरु को सौंप चुका हूँ, इसलिए मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। जल्लाद सबसे पहले कलाई पर तलवार से वार करने लगा तो मनी सिंह जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुझे जैसा हुक्म हुआ है वैसा ही कर, एक सच्चा मुसलमान बन और अपने आका का कहना मान, इसलिए तू पहले उंगलियों के जोड़ों से मुझे काटना शुरू कर। इसके बाद मनी सिंह जी अंतर ध्यान हो गई। जल्लाद ने पहले उंगलियों के जोड़ों से काटना शुरू किया, पर भाई मनी सिंह जी एक पल भी विचलित ना हुए, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु में समाया हुआ था। हाथ पैर काटने के बाद उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उनकी आत्मा परमात्मा में समा गई। यह बात सोचने वाली है कि जिस पर बीती है कितनी मुश्किल रही होगी, कितनी कठिन है शहादत देना। कहना और सुनना तो बहुत आसान है, पर सहना कठिन है। इस महान शख्सियत की कुर्बानी हमेशा याद रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।